ये है OnePlus का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन OnePlus 12R। इसके स्पेक्स इस पर बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। सोनी सेंसर है इसमें, LTPO 4.0 डिस्प्ले है, Snapdragon 8 Gen 2 है। इससे भी बड़ी चीज भाई, बिग बैटरी है यार 5500 mAh की। एक सेकेंड, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है इस फोन के बारे में, तो इसके लिए देखते रहिए भाई सावधान इंडिया। एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी ज्ञान। और इसकी जो प्राइस रखी है OnePlus वालों ने 39999, वो काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है। अंडर 40,000 रुपीज में आपको Snapdragon 8 Gen 2 जैसा एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल रहा है। OnePlus 12R को तो टेस्ट करना यार बनता। और साइड बाय साइड हम देखेंगे भाई OnePlus 11R के कंपैरिजन में OnePlus 12R में क्या अपग्रेड है, क्या डाउनग्रेड है। वो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। जो खोलने में मजा है इसकी बात ही कुछ और है भाई। सबसे ऊपर ये रेड बॉक्स लिखा हुआ भाई, नेवर सेटल, वैसे आज तक सेटल हुआ ही नहीं है। इसके अंदर ओहो क्या बात है भाई, ये ब्लू कलर का सिलिकॉन केस है। वैसे देखा जाए तो भाई अच्छी क्वालिटी है। एंड ये हमारा ओह यंत्र। इसके अलावा ये कुछ क्विक गाइड है, ये OnePlus के स्टिकर्स है और रेड केबल क्लब है। और ये रहा फोन, क्या बात है, इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये OnePlus वालों की टिपिकल रेड केबल है भाई, टाइप ए टू टाइप सी है। और ये भाई चार्जर देखो, 100 वॉट का सुपर वूक। सो भाई बॉक्स में यही सारे कंटेंट है। चलो बात करते हैं भाई OnePlus 12 की। इसके डिजाइन लुक की बात करो तो सिमिलर सा डिजाइन है जो OnePlus 11R था, काफी हद तक वैसा ही डिजाइन है। सेम सेम बट द फ्लैन, नो मनी नो फोन। ये जो बैक है काफी शाइनी है। हाँ भाई ग्लास बैक है, तो जब ऐसे टच कर रहे तो भाई देखो भाई फिंगरप्रिंट के निशान आ जा रहे हैं यार। आपको भाई बार बार ऐसे साफ करना पड़ सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाई ये फोन प्रीमियम देखने में लगता है। फोन को जब आप हाथ पे ले तो भाई फोन पतला फील हो रहा है। एक बार वेट चेक करते हैं भाई, ये मेरे ख्याल से 200 ग्राम के आसपास होना चाहिए। आई डोंट नो क्या वेट है। अरे भाई 9 ग्राम ज्यादा निकल गया यार ये तो। हाँ भाई थोड़ा सा हैवी फील होता है ये फोन। वेट ज्यादा भी इसलिए क्योंकि भाई जो फ्रेम है ये मेटल का है। एक चीज है भाई, जब आप सिर्फ फ्रंट से देखते हो उसका जो डिस्प्ले है भाई, कर्व होने की वजह से काफी प्रीमियम लग रहा है भाई। लग रहा है कि हाँ एक महंगा फोन है ये। देखो भाई ये कर्व है, ज्यादा कर्व नहीं, एकदम स्लाइटली सा कर्व है। 6.82 इंच की एक प्रो HDR LTPO 4.0 AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज़, 4500 इसकी पीक ब्राइटनेस है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले में देखा जाए तो भाई जो स्क्रीन साइज है वो बिल्कुल स्लाइटली बढ़ा दिया है, और जो क्वालिटी है उसे और बेटर कर दिया है। प्रो HDR डिस्प्ले इस बार यूज किया गया है, वो भी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ। इसके डिस्प्ले को मेरे ख्याल से एक्सीलेंट डिस्प्ले बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी वीडियोस वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, आपको ब्लैक पंची कलर मिलते हैं। हल्का सा कॉन्ट्रास्टी है डिस्प्ले, लेकिन कर्व होने की वजह से जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत ही सॉलिड लगा मुझे। इसमें आप कुछ भी मूवीज वगैरह देखते हो तो मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस भाई एक फ्लैगशिप वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले करना चाहते हो भाई, यूट्यूब पे ये देखो 2160p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो। HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, तो भाई इसमें देखने में भाई मजा आ जाएगा। एक और चीज, इसका जो डिस्प्ले है मुझे बहुत ही ब्राइट लगा। इनफैक्ट आप इसको वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले फोन बोल सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे। जो 4500 nits की पीक ब्राइटनेस दे रखी है भाई, आउटडोर में बहुत ही ब्राइट फील होता है। 120 हर्ट्ज़ पर डिस्प्ले भाई बहुत ही स्मूथ फील हो रहा है। एंड एक और चीज भाई, जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है इस बार OnePlus वालों ने गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 यूज किया है। एंड एक बार इसको गिराते हैं भाई ऊपर से, ये देखो 1 2 3, ये देखो भाई स्ट्रेट था, बहुत खतरनाक। ओ यहाँ देखो हल्का सा स्क्रैच आ गया, ये स्क्रीन गार्ड पे है, इसको निकाल देते हैं एक बार। ओ हो। अगर मैं इसके डिस्प्ले को भाई OnePlus 11 से कंपेयर करता हूँ तो यस, डिस्प्ले में मुझे अपग्रेड लगा, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है। रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करते हो, इसका जो बेस वेरिएंट है वो 8GB के साथ आता है, जिसमें UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। एक 12GB वाला वेरिएंट जिसमें आपको UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिलता है। इसके अंदर रीड राइट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं भाई, और रीड राइट स्पीड भाई बहुत सही आया है। एक बार इसका मल्टीटास्किंग देख लेते हैं भाई, ये देखो मल्टीटास्किंग तो एकदम स्मूथ है, बट फिर भी सारे ऐप्स को मैं आपके सामने क्लोज कर देता हूं और एक एक के ओपन करता हूं। ये देखो भाई इतना स्मूथ और इतना मक्खन। ये देखो भाई क्रोम जैसा हैवी ऐप जिसमें बहुत सारे काम होते हैं वो इतना फास्ट खुल रहा भाई। अब इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि OnePlus वालों ने इस बार OnePlus 12 सीरीज में OnePlus का ट्रिनिटी इंजन को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको नहीं पता OnePlus का ट्रिनिटी इंजन क्या है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दे दूंगा। नीचे आपको ये सिम स्लॉट दे रखा है टाइप सी है, ये स्पीकर है, राइट में ये वॉल्यूम बटन पावर बटन है, ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है, एयर ब्लास्टर है, और ये स्पीकर है। ये स्पीकर एक बार टेस्ट करते हैं भाई, स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत लाउड है। एंड हाँ स्पीकर में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, और स्पीकर की साउंड क्वालिटी लाउड इनफ है भाई। ओके, वैसे इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, अंडर डिस्प्ले है ये, और यहाँ से आप एनिमेशन वगैरह बदल सकते हो। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं भाई फास्ट। ये देखो, बताओ इतना पढ़ लिखने का क्या फायदा जब फोन को अंगूठे से ही अनलॉक करना पड़े। कैमरा मॉडल मुझे इसका काफी कूल लगा, ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, विद OIS प्लस EIS सोनी IMX 890 सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का, एक सेकेंड, 2 मेगापिक्सल है इसमें।
मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। ऑनेस्टली जो मेन कैमरा भाई वो तो अच्छा लग रहा है ऑन पेपर, लेकिन 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल इसकी जगह पर अगर OnePlus वाले एक टेलीफोटो लेंस दे देते, डुअल कैमरा सेटअप भी होता तो ज्यादा बेटर होता, मैं ज्यादा हैप्पी होता यार। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेल्फी है विद EIS एंड इसे कैमरे को हमने इंडोर आउटडोर में जाके कई सारे फोटोज लेके टेस्ट किया भाई, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं या कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हो। पर जो फोटोज निकल के आते हैं जो मेन कैमरा सोनी IMX890 वाला, उससे तो भाई अच्छे फोटोज निकल के आते हैं, कलर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, इवन जो HDR है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी थोड़े से बादल छाए हुए हैं तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट स्टिल HDR अच्छे निकल के आते हैं। क्लोजअप शॉट्स में आपको डिटेल्स बेटर मिल जाती है, एंड अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हो तो वहां पर आपको बैकग्राउंड में डेप्थ और स्किन टोन अच्छे मिल जाते हैं मेन कैमरे से। इवन लो लाइट में भी इसका जो कैमरा है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है, इससे मैंने कुछ फोटोज लेके देखे थे, ऑनेस्टली बताऊं काफी एवरेज से फोटोज निकल के आते हैं। सेल्फी कैमरा इज गुड, अच्छी सेल्फीज देता है इंडोर आउटडोर में, डिटेल्स अच्छी दे देता है, और पोर्ट्रेट अगर सेल्फी लेते हो तो बैकग्राउंड में डेप्थ भी अच्छा दे देता है। तो या सेल्फी अच्छी है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर मैं कैमरा फीचर्स की बात करूं तो आपको प्रो मोड मिल जाता है यहाँ पर, और वीडियो मोड है। वीडियो में अगर आप जाते हो तो वीडियो में आप 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, EIS का सपोर्ट है, OIS भी है, 4K 60fps है। और फ्रंट में जाते हो भाई, में भाई 1080p है और यस EIS है फ्रंट में। बाकी वीडियो में जाते हो भाई ये सारे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड मोर में जाते हो भाई आपको ये सारे स्लो मोशन मोड मिल जाता है, डुअल वीडियो है, टिल्ट शिफ्ट है, लॉन्ग एक्सपोजर है, मैक्रो है, फिल्म मोड है, ऐसा फिल्म बना सकते हो। इस मोड से ना मेरे दोस्तों की फिल्म बनानी पड़ेगी। मेन कैमरे से आप बढ़िया वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन भी आपको अच्छी मिल जाती है, OIS प्लस EIS का कॉम्बिनेशन है तो आपको स्टेबल फुटेज देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो इससे आप 4K 60fps पे भाई बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आते हैं भाई परफॉर्मेंस पे, गेमप्ले, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, आप भी होते हो आई नो। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट दे रखा है, ये एक 4N वाला चिप है। अगर OnePlus 11R से कंपेयर करते हो तो OnePlus 11R में भाई आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 देखने को मिलता था, इसमें आपको 8 जेन 2 दे रखा है, तो एक न्यू जनरेशन इस बार यूज किया गया इस चिपसेट में, तो नया है परफॉर्मेंस में, यस अपग्रेड है। एंड वो चीज भाई इसके एंड्रॉइड में देखने को मिल जाता है, 1.3 मिलियन प्लस एंड्रॉइड निकल के आया है। 40,000 रुपए वाले स्मार्टफोन के लिए एक सॉलिड स्कोर बोलूंगा मैं। थ्रॉटल में भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल है, हालांकि हल्की सी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन कर देता है कुछ टाइम बाद, बटा कोई ऐसा थ्रॉटल इशू नहीं है। ओके बॉयज रिलैक्स, समय आ चुका है पीरो गेम प्ले का और अटेंडेंस का भी, जल्दी से उसके नीचे लाइक बटन है पहले तो दबा दो, अभी तक नहीं दबाया तो भाई। अब स्टार्ट करते हैं भाई गेम प्ले, स्मूथ पे क्या बात है, 90fps गेम प्ले, ओ हो देख के मजा आ गया भाई। अरे गोली खत्म हो गया बे, ओए ये देख रहे हो कला चाहे भाई 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 ये तो गोली खत्म हो गया बे, इसको मारना पड़ेगा भाई, रुक जाओ इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये जायरो ऑन करते हैं भाई सेंसिटिविटी में जाके, ओके यहाँ पे जायरो के ये ऑलवेज ऑन कर दिया भाई, जायरो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है यार, ये देखो सेंसिटिविटी काफी अच्छी है, इसे ऊपर करो नीचे दाएं बाएं ये देखो, ओ भाई फट देंगे। ओके इसका जो गेम प्ले है भाई मखन है, स्मूथ गेम प्ले है, कोई ऐसा लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, मतलब आप पीरो लेवल की गेमिंग करना चाहते हो, हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करना चाहते हो, स्मूथली 90fps पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो डिवाइस है भाई वो हीट भी नहीं करता है, क्योंकि आपको इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग दे रखा है और वो भी काफी बड़ा है, सो भाई गेमिंग के मामले में एक्सीलेंट है ये डिवाइस। 5500mAh की इसमें बैटरी है और 100W सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और एक चीज है भाई, जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे, बैटरी ड्रेन वगैरह टेस्ट कर रहे थे, हमको जीरो करना था, सच बताओ इसकी बैटरी ड्रेन करने में भाई हालत खराब हो गई भाई। बैटरी बैकअप अभी तक तो हमें इसमें बहुत अच्छी देखने को मिला, सॉलिड बैटरी बैकअप है, इवन हैवी यूसेज में एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा भाई। करीब हमने इसमें 30 मिनट की गेमिंग करी थी भाई, उसमें करीब 3-4% का बैटरी ही ड्रॉप हुआ है। एंड चार्जिंग टेस्ट भी किया था, 0-10% 100W ये 2 मिनट में चार्ज कर देता है, 10-50% सिर्फ 7 मिनट में चार्ज कर देता है, और 50-100% जाने में ये 15 मिनट ले लेता है, तो टोटल 0-100% ये 24 मिनट के आसपास भाई फुल चार्ज हो जाता है। नो डाउट भाई चार्जिंग फास्ट है। बाकी यस भाई फोन में NFC है, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है, वाईफाई 7 है, 5G को सपोर्ट करता है, गूगल डायलर है। एक बार OS चेक करते हैं भाई, ऑक्सीजन OS 14 है भाई, ये बेस है एंड्रॉइड 14 पे। एक और चीज भाई, जिसका जो UI है एकदम क्लीन है, कोई ऐसा फालतू अनवांटेड एप्स नहीं है इसमें, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस है भाई। तो ये था एक कंप्लीट OnePlus 12R 5G। भाई अगर मैं इसको OnePlus 11R से कंपेयर करता हूँ, यस कई सारे डिपार्टमेंट में अपग्रेड किया है OnePlus वालों ने, जैसे कि भाई डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर कर दिया है, इस कैमरे में थोड़ा सा बेटर सेंसर यूज कर दिया है, एंड जो परफॉर्मेंस
उसमें भी आप अपग्रेड कह सकते हो। बैटरी बढ़ा दी गई भाई, सबसे अच्छी बात। चार्जिंग भाई वो मुझे एक्सीलेंट लगा। फोन को हमने जितना भी टेस्ट किया भाई, हर डिपार्टमेंट में आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है। ना जो कैमरा है वहां पर थोड़ा सा नीचे रह जाता है। कैमरे में अगर ये अल्ट्रा वाइड एंगल की जगह या फिर 2 मेगापिक्सल मैक्रो की जगह पर एक टेलीफोटो लेंस यूज करते हैं भाई, सच बताओ मजा आ जाता कैमरे में। बट स्टिल जो मेन कैमरा भाई वो अच्छे फोटोज ले लेता है। जो अल्ट्रा वाइड है और जो मैक्रो कैमरा वो थोड़े से एवरेज फोटोज ले लेता है। अगर आप इसके साथ ओके हो देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड फोन। इसको अगर मैं एक वैल्यू फॉर मनी वन प्लस फोन बोलूं तो शायद मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। फोन किन लोगों के लिए भाई, जिनकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहिए, इसके साथ ही आपको एक बिग बैटरी के साथ एक्सीलेंट चार्जिंग चाहिए। ये तीन आपकी प्रायोरिटी है। आपका बजट अंडर 40 के है, डेफिनेटली एक बार इस फोन को आप चेकआउट कर सकते हो। ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मुझे तो फोन पसंद आया, स्पेशली इसका जो एक प्रीमियम फील है, जो एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे रहा है वो अच्छा लगा मुझे भाई। इज वन प्लस बैक? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपको ये फोन कैसा लगा। देखो कमेंट करके जरूर जाना, फालतू का कमेंट मत करना, फीडबैक तो यार वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कैमरे के साथ बाय बाय।